Good morning, students. So our next topic is male reproductive system. तो बच्चों आज हमें क्या जानना है, male reproductive system के बारे में study करनी है. ठीक है, कि male reproductive के अंदर कौन कौन से parts होते हैं और सभी parts के क्या क्या functions हैं. ठीक है, तो यहाँ आप diagram को देखिए. डायग्राम में मैंने सारे पार्ट मेंशन कर रखे हैं और एक एक करके हम सारे पार्ट को स्टडी करेंगे. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ बच्चों. यहाँ से आप देखिए, ध्यान से देखिए डायग्राम को. ये जो पार्ट है ये सबसे पहले, ओके, डायग्राम से भी पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट्स इज कंसिस्ट ऑफ वॉट, किस किस से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है. फर्स्ट वन इज टेस्टीज. ठीक है, टेस्टीज जो होते हैं वो टू पेयर्स में होते हैं. टू पेयर्स मीन्स क्या है बच्चों, यहाँ पे टू पेयर्स का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है टेस्टीज के, जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, दो. ठीक है, टू टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड वन इज एसेसरी डक्ट. एसेसरी डक्ट को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं. ठीक है, ये भी कितने होते हैं पेयर में, टू. ठीक है, दैट मीन्स ये भी नंबर्स में टू एंड पेयर में वन. ठीक है, तो ये पेयर में होता है, टेस्टिस पेयर में होता है. एसेसरी डक्ट जो है या स्पर्म डक्ट, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फोर्थ वन इज एसेसरी ग्लैंड्स. कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स जो कि एसेसरी डक्ट से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल जेनिटालिया. ठीक है, तो ये जो फोर पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो टेस्टीज, एसेसरी डक्ट्स, स्पर्म डक्ट्स, एसेसरी और स्पर्म डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया, इनसे मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है. ठीक है, इन्हीं चीज़ों से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है. अब बेटा यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, आप डायग्राम में सारे पार्ट्स एक बार देख लेते हैं अपन. ये जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पेनिस, पैनिस का हिस्सा है. ठीक है, पैनिस के ऊपर ये एक कवरिंग है, ये फोरस्किन है. ठीक है, देन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है यूरेथ्रा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ये यूरेथ्रा जो है वो आगे जाके, देखिए बच्चों ये जो यूरेथ्रा है वो आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है. तो दिस पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, देन अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे क्या, पैनिस के ऊपर एक कवरिंग, इसको फॉरस्किन. ठीक है, अंदर के साइड, पैनिस के अंदर के साइड ये जो नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा आगे जाके किस में ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर. डायग्राम में मैं इससे इस तरीके से बता रही हूं, अदरवाइज यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में ओपनिंग होती है. ठीक है, देन यहां देखिए बच्चों, ये जो है पार्ट, ये टेस्टीज, ठीक है, जो कि पेयर में पाए जाते हैं. एंड टेस्टीज के ऊपर एक कवरिंग है, दैट मीन्स टेस्टीज जो है वो आउटसाइड, टेस्टीज के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम. ठीक है, तो ये वाला पार्ट स्क्रॉटम, एंड दिस वन इज ये जो है टेस्टीज. ठीक है, एंड ये आगे जाकर, ये जो टेस्टीज है ये आगे जाकर इस नैरो पाइप डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है. दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंसिया. ठीक है, वास डिफरेंस. ओके, सो दिस, ये पार्ट टेस्टीज, टेस्टीज के ऊपर जो कवरिंग है वो स्क्रॉटम, एंड देन ये जो नैरो पाइप के अंदर ओपन हो रहा है, टेस्टीज जो है वो जो ओपन हो रहा है एक नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जिसको डक्ट बोलते हैं. ठीक है, जो है वास डिफरेंस. ओके, एंड देन दिस वन, ये जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, एंड नेक्स्ट ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाकर ओपन हो रहा है सेमिनल वेसिकल के अंदर. ठीक है, तो दिस पार्ट, इस पार्ट को हम सेमिनल वेसिकल बोलेंगे. ठीक है, एंड सेमिनल वेसिकल आगे जाकर ये एक डक्ट बना रहा है, इस डक्ट को एजुकेलेटरी डक्ट कहते हैं. एंड देन यहां एक और इस डक्ट से अटैच्ड एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, सो ये तो सारे पार्ट्स हुए. ठीक है, इन सभी पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे.
एक एक बार. बट स्टार्टिंग हम किससे करते हैं बच्चों, सबसे पहले टेस्टिस, ठीक है. सो टेस्टिस जो होता है बच्चों क्या होता है, ठीक है. तो मैन में कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है. मतलब पेयर में पाए जाते हैं टेस्टिस. शेप कैसा होता है बच्चों टेस्टिस का, ओवल इन शेप. टेस्टिस का जो शेप है वो ओवल शेप का होता है, ठीक है. जो टेस्टिस है बच्चों दे लाई इन अ स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम, ठीक है. टेस्टिस जो है वो एक मस्कुलर पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. मस्कुलर पाउच होता है उसके अंदर जो है टेस्टिस जो होता है वो लाई करता है, ठीक है. और उस मस्कुलर पाउच को क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रॉटम टेस्टिस के बाहर है, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम. एंड ये जो है स्क्रॉटम, ठीक है, ये टेस्टिस जो है बच्चों ये क्या काम करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. टेस्टिस में ही मेल गैमेट जो कि है स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है. और टेस्टिस जो है उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, टेस्टिस जो है वो एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है. उस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं, ठीक है. अब बच्चों सेकेंडली टेस्टिस जो है, ठीक है, वो एक तो मेल गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. सेकेंडली ये सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस. मेल गैमेट को प्रोड्यूस कौन करता है, मेल गैमेट मीन्स स्पर्म. स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चों, टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है. अब यहाँ जो ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, ठीक है, या हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है बच्चों, ये जो है वो एक पर्टिकुलर एज में, ठीक है, जब बॉयज 12 to 14 years क्रॉस करते हैं, अपनी प्यूबर्टी एज में आते हैं, देन प्यूबर्टी एज में आने के बाद उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, प्रोडक्शन होने लगता है, और मेल जो गैमेट है स्पर्म वो भी प्रोड्यूस होने लगता है. अब बच्चों जो मेल गैमेट है वो 14 to 15 years से स्टार्ट होता है बॉयज में प्रोड्यूस होना, एंड वो लाइफ टाइम तक वो प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है. और एवरी डे मिलियंस ऑफ, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो एवरी डे रिलीज होते हैं, क्लियर है. अब यहां देखिए स्क्रॉटम का एक्चुअली क्या रोल है, ठीक है. स्क्रॉटम जो है वो क्या करता है, सबसे पहली चीज जो स्क्रॉटम है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन कैविटी, ये जो पार्ट दिख रहा है बच्चों ये पार्ट एक्चुअल में एब्डोमिन कैविटी के बाहर होती है, ठीक है, अंदर नहीं होती. एब्डोमिनल पार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये जो पार्ट है स्क्रॉटम वाला पार्ट ये बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है. बाहर प्रेजेंट क्यों होता है, क्या रोल है कि स्क्रॉटम जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है, जो टेस्टिस है वो बाहर प्रेजेंट होता है, वाई. तो बेटर जो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना. और जो स्पर्म है बच्चों ये तभी प्रोड्यूस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब आपकी जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से कम 1 to 3 degrees लमसम 2 to 2.5 degrees Celsius टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, तभी जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हो पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा. तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो आपकी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से कम 1 to 3 degrees Celsius टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. दैट्स वाई ये जो है स्क्रॉटम, ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअल में, ये थर्मोरेग्युलेटर के जैसा वर्क करता है. ये टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को आपके बॉडी के टेम्परेचर से 1 to 2 degrees Celsius कम रखता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्क्रॉटम. अगर स्क्रॉटम एब्डोमेन के अंदर होता, ठीक है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर आपके नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 1 to 3 degrees Celsius कम होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, ठीक है. और वो हेल्प कौन करता है उसको लोअर करने के लिए, वो स्क्रॉटम करता है, ठीक है. तो टेस्टिस एंड स्क्रॉटम, इन दो पार्ट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा. नेक्स्ट
हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट, जितने भी रिमेनिंग पार्ट है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, टेस्टिस का क्या काम होता है। तो सबसे पहली बात तो मेल के अंदर टेस्टिस जो होता है वो पेयर्स में पाए जाते हैं, टू होते हैं, नंबर में दो होते हैं, ठीक है। शेप कैसा होता है बच्चों? ओवल शेप होता है। सेकेंडली ये जो टेस्टिस है दे लाई इन अ स्मॉल मस्क्यूलर पाउच, ये एक पाउच के अंदर लाए करते हैं और उस पाउच को क्या कहते हैं? स्क्रॉटम कहते हैं, ठीक है। एंड देन ये जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडली ये सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड मेल सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं बच्चों? तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। एंड एवरी डे आफ्टर 14 ईयर्स 14 साल 15 साल के बाद से जब प्यूबर्टी स्टार्ट, प्यूबर्टी की एज आ जाती है, उसके बाद से जो मेल है उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है एंड हार्मोन्स भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो और ये जो हार्मोन रिलीज स्टार्ट होता है उनकी बॉडी में रिलीज होना एंड स्पर्म का प्रोडक्शन, ये फिर लाइफ टाइम के लिए ये प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। एंड एवरी डे कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं बच्चों? तो एवरी डे बिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। सेकेंडली स्क्रॉटम का फंक्शन क्या होता है? स्क्रॉटम सबसे पहली बात जो एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन के अंदर नहीं है, एब्डोमेन के अंदर कवर नहीं रहता है ये, ठीक है। रीजन क्या है, इसको बाहर क्यों रहना जरूरी है? बिकॉज अगर ये बाहर नहीं रहेगा बच्चों तो ये टेस्टिस को वो टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जिस टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो स्क्रॉटम है वो एक थर्मो रेगुलेटर के जैसा वर्क करता है, वो आपकी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से जो स्पर्म को बनने के लिए जो लोअर टेम्परेचर चाहिए, दो एक से दो डिग्री सेल्सियस जो लोअर चाहिए, वो टेम्परेचर जो है वो स्क्रॉटम प्रोवाइड करता है। क्लियर है?